वार्ड 39 की ईदगाह कटघर की ओर जाने वाली रोड पर खाली पड़ी छावनी की भूमि को लोगों ने डलाप घर बना दिया है, जिससे क्षेत्र की सूरत और सीरत दोनों खराब हो रही है। वहीं कई गंभीर बीमारियों के पनपने का डर भी अब बना हुआ है। ऐसे में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने और नगर निगम की निहित भूमि पर ही कूड़ा फेंकने के प्रति लोगों को जागरूक बनाने हेतु नगर निगम ने विशेष अभियान छेड़ दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर निगम की ओर से इस भूमि पर पहले सफाई अभियान चलाया गया। पूरी भूमि की सफाई करने के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर उसके आसपास की जगह को रंगोली से सजाया गया। इस प्रोग्राम में क्षेत्रीय पार्षद पति रघु पंडित के साथ साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर योगेंद्र कुशवा भी मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को अब इस भूमि पर घर का कूड़ा न फेंकने की अपील करते हुए कूड़ा कूड़ेदान में फेंकने या फिर डोर टू डोर गाड़ी में डालने की अपील की गई। लोगों में स्वच्छता के प्रति अपील जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वर्षों पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अभियान से जुड़ नहीं पाए हैं। जहां कूड़ा नहीं फेंकना, लोग वहीं आकर कूड़ा फेंक कर उसे डलाप घर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आगरा नगर निगम की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी एक स्वच्छता अभियान से जोड़ने और उन्हें एक निहित स्थान पर ही कूड़ा फेंकने के प्रति जागरूक बनाने की कवायद की जा रही है। ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर उसके एक दिन पूर्व हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि जितने भी आगरा में ऐसे पॉइंट हैं जहाँ लोग कूड़ा डालते हैं और कूड़ा ना डाले, उसके लिए हमने राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर एक लोगों को संदेश दिया है, ताकि उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो कि यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है, यहाँ पर हम कूड़ा ना डालें। कूड़ा हम वहीं डालें जो नगर निगम ने एक नियत स्थान चिन्हित किया है, या हाथ ठेला में डालें या डोर टू डोर की गाड़ी में डालें। नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर योगेंद्र कुशवा ने बताया कि नगर निगम की ओर से शहर भर में ऐसी भूमि और स्थानों को चिन्हित किया गया है जो डलाप घर नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पर कूड़ा फेंक कर उसे डलाप घर बना रहे हैं। इसी श्रृंखला में ईदगाह कटघर रोड स्थित छावनी की भूमि भी शामिल थी। आज यहां पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, ध्वज को सलामी दी गई और ध्वज के आसपास के क्षेत्र को रंगोली से सजाया गया। यहां से निकलने और क्षेत्रीय लोगों से अपील की गई कि अब इस स्थान पर कूड़ा न डालें। नगर निगम ने जो स्थान तय किया है वहां पर कूड़ा फेंके या फिर जो डोर टू डोर वाली गाड़ियों में ही कूड़ा डालें। सैनिटरी इंस्पेक्टर योगेंद्र कुशवा का कहना था कि आज़ादी की अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये पहल की गई है, लोग राष्ट्रीय ध्वज को देखेंगे तो उसका सम्मान करते हुए इस स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। और क्या कहना चाहिए? अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे वार्ड के सैनिटरी इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर और समस्त कर्मचारियों के द्वारा आज जो क्षेत्र है हमारा ईदगाह कटघर बालनी बस्ती के सामने का, वहाँ लोगों द्वारा कूड़ा डाला जाता था, लेकिन निरंतर 15 दिन से यहाँ एक स्वच्छता अभियान चलवाया गया और यहाँ पर क्या कहते हैं रंगोली बनाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस बस्ती के सामने डला पर कूड़ा ना डालें, यहाँ स्वच्छ रखें। स्वच्छ भारत की मुहिम में हम सबको मोदी जी और योगी जी का साथ देते हुए इस क्षेत्र में सफाई रखनी है, ताकि आने वाले समय में यहाँ गंदगी ना हो और बीमारियों से बचा जा सके। वार्ड 39 के क्षेत्रीय पार्षद पति रघु पंडित ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वह पिछले 15 दिनों से क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलवा रहे हैं। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाए, इसके प्रति ये कवायद की जा रही है कि जिससे लोग ईदगाह कटघर रूट पर खाली पड़ी भूमि पर कूड़ा न डालें, क्योंकि इससे यहाँ पर गंदगी का आलम रहता है और आसपास के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपने का भी डर बना हुआ है। लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। आज यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर और उसके आसपास रंगोली बनाकर इसे सजाया गया है। इससे पहले इस जमीन को सफाई अभियान के माध्यम से साफ कराया गया था। उन्हें उम्मीद है कि लोग राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए यहाँ पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।